दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल डिश जुगाड़ में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आपको दिखाई थी कि आप पंचिंग मशीन ना लेकर बबल रिमूवर से भी फोल्डर बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छी तरह से। पंचिंग मशीन की कीमत 30-40 हज़ार रुपये की होती है, जबकि बबल रिमूवर केवल 10 हज़ार रुपये में आ जाता है और कंप्रेसर मात्र 4 हज़ार रुपये में आ जाता है। आपका इस हिसाब से आपकी 15 हज़ार रुपये में आप फोल्डर बना सकते हो। आप मेरी अगली वीडियो देखी होगी आपने, तो देखो मैंने उस मशीन का लिंक डाला हुआ है, आप इतने रुपये फोल्डर बना सकते हो। देखो दोस्तों, कभी कभी आप फोल्डर बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये ब्लैक ब्लैक से निशान रह जाते हैं, और इनको आज मैं बताऊंगा कि इनको रिमूव कैसे किया जाता है। आप देख सकते हो ये ब्लैक जो निशान रह गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो जो ब्लैक निशान रह जाता है, ये ओसी जो फिल्म होती है, फिल्म जो इसके वो डिस्प्ले को जो फिल्म होती है वो ख़राब हो जाती है। यानी जब हम टच डिस्प्ले को सेपरेट करते हैं और जो वायर बीच में लगता है उससे ये खिंचाव हो जाता है इसमें, इससे ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। दोस्तों, आप इसे बड़ी ही आसानी से बबल रिमूवर के द्वारा हटा सकते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे इनको हटाते कैसे हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया था कि MI Note 4 है ये फोल्डर हमारे पास, इसमें ब्लैक ब्लैक लाइन आ गई थी। ये जब आई थी जब हमने इस मशीन से इसकी डिस्प्ले और टच को अलग किया था, और फिर हमने इसमें टच लगा के इसका फोल्डर तो बना दिया, पर ये लाइन आ रही है, गई नहीं है। अब बताएंगे आपको कैसे ये डिस्प्ले में से ये ब्लैक ब्लैक लाइंस जो बन जाती हैं, धब्बे आ जाते हैं, गोलू कैसे हटाते हैं। पहले आप अपनी सेपरेटर मशीन को ऑन कर लें और थोड़ा सा फोल्डर को गर्म होने दें। ये देख सकते हो मैंने ये फोल्डर बनाया था, और आपको मैं पहली वीडियो बता रहा हूँ कि मात्र नो पंचिंग मशीन ना लेकर आप केवल बबल रिमूवर और ये क्या है आपका कंप्रेसर से फोल्डर बना सकते हो। मैंने अगली वीडियो में आपको फोल्डर बना के भी दिखाया है, और ये मात्र 10 हज़ार, और ये आपका 3 से 4 हज़ार रुपये का आ जाता है। और आप ये जो कार का जो मिस्त्री कार का काम करते हैं, आप उनसे भी मंगा सकते हैं, ये उनको जो 3 हज़ार का पड़ता है। यदि आप लेंगे मोबाइल के नाम से तो ये आपको 5 हज़ार का लमसम पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने तो इसी तरह से मंगाया है, और आपको मैंने फोल्डर बना के भी दिखाया था। मेरे पास देख लो पंचिंग मशीन नहीं है, आप देख सकते हो मैं पंचिंग अपने हाथों से करता हूँ, और पंचिंग मशीन सबसे महंगी आती है। और दोस्तों, आप जानते ही हो कि आने वाले समय में कर्व का फोल्डर आने लगेंगे, तो पंचिंग मशीन जो आ रही हैं उनमें गैप थोड़ा कम होता है, इसीलिए आप उसे ना लें। जब जब फोल्डर पूरे कर्व आने लगे तब आप अच्छी मशीन ले लें पंचिंग वाली, जब आपके लिए बेस्ट रहेगी। अभी तो आप इसी तरह से आप फोल्डर बना सकते हो। और देखो दोस्तों, मैंने सेपरेटर चालू कर दिया है, और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे, क्योंकि OCA गर्म होगा तो इसकी फिल्म थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी और इस बबल रिमूवर के द्वारा वो ब्लैक स्पॉट्स हट जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए, इसका एयर कंप्रेसर का मैं प्लग लगा देता हूँ, क्योंकि इसे भी अभी इसमें एयर है नहीं। देखो दोस्तों, और ये एयर कंप्रेसर हमारा चालू हो गया है, ये इसका ऑन ऑफ बटन है चालू और बंद करने का, और ये आपकी मशीन है। और दोस्तों, फाइनली हमारा एयर कंप्रेसर का प्रेशर कंप्लीट हो गया है, और ये हमने मशीन में गरम गरम कर लिया थोड़ा सा फोल्डर और बंद कर दी मशीन। अब हम बबल रिमूवर, आप देख सकते हो बबल रिमूवर मैं आपको अगली वीडियो में बताया था चालू कैसे होता है, वर्किंग कैसे करता है। अब मैं इस बटन को दबा देता हूँ, प्रेस कर देता हूँ, और ये चालू हो गया। आपको इस हैंडल को इस साइड घुमा कर निकाल सकते हैं, और मैंने बताया था कि इस फोल्डर में स्पॉट है ब्लैक ब्लैक, ये जब हुए थे जब मैंने टच और डिस्प्ले को अलग किया था, तब इसमें फोल्डर में ये डिस्प्ले में ब्लैक ब्लैक वो आ गए थे स्पॉट। और इनको कैसे रिमूव करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको इसमें रख दिया, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और आप इसे इस तरह से बंद कर दें, और ये है हमारा एयर कंप्रेसर का ये प्लग, इसे दबा दें, इससे एयर इसके अंदर पहुंच जाएगी। आप आवाज़ सुन सकते हो, एयर इसके अंदर पहुंच गई ही है। अब दोस्तों, इसकी टाइमिंग देख लो आप, टाइमिंग अभी 30-40 सेकंड हुआ है। अब मैं कम से कम 10 मिनट का वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि ब्लैक स्पॉट है या नहीं। दोस्तों, इसी तरह से आप ब्लैक स्पॉट हटा सकते हो। हेलो दोस्तों, फाइनली हमारी
10 मिनट हो चुकी हैं और अब हम देखेंगे फोल्डर में से ब्लैक स्पॉट गया है कि नहीं। अभी हम चेक करते हैं लगाकर कि गया है कि नहीं। ये हमने बस ही बंद कर और फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो इसका ब्लैक स्पॉट हट गया है। आप पूरी तरह से देख सकते हो ब्लैक स्पॉट था, देखो आपको हट चुका है, पूरा ब्लैक स्पॉट हट गया है। और दोस्तों आप इसी तरह से कभी कभी आपके पास ब्लैक स्पॉट आ जाता है तो आप इसी तरह से हटा सकते हैं। और यदि थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो जैसे ही मोबाइल चलता है 2 से 4 दिन में वो ब्लैक स्पॉट ऑटोमेटिकली हट जाता है। दोस्तों आप मैंने ये प्रैक्टिकल किया है कम से कम 5 से 6 बार, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, दोबारा मिलूंगा किसी अगली वीडियो के, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।